हाउडी फिजिक्स लवर्स, एग्जांपल नंबर 7.15, क्लास 11 एनसीईआरटी। अ कोर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 केजी एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक फ्लाई व्हील है और उस फ्लाई व्हील पे हमने क्या किया, एक कोर्ड को वाउंड किया। जैसे मान लीजिए फ्लाई व्हील है, इसमें हमने रस्सी को ऐसे लपेट दिया, जैसे लट्टू पे रस्सी लपेटते हैं, वैसे हमने क्या किया, कोर्ड पे ऐसे रस्सी को वाउंड कर दिया। अब ये जो कोर्ड है इस तरीके से है और इस फ्लाई व्हील का मास हमें गिवन है, सो मास ऑफ द फ्लाई व्हील इज 20 किलोग्राम और जो रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील है वो है 20 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा 10^-2 से मल्टीप्लाई करके। नाउ दिस रेडियस आर इज गिवन। अ स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कोर्ड। अब इस कोर्ड को हमने ऐसे पकड़ा और इस पे 25 न्यूटन पुल लगा दिया, तो जो फोर्स हमने लगाई है वो है 25 न्यूटन। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सल विद फ्रिक्शनलेस बियरिंग्स। कि जो आपका फ्लाई व्हील है वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सल पे है। जैसे आप मेले वगैरह में जाते हैं, वहां पर देखते हैं बच्चों के लिए एक खिलौना होता है, एक्सल होता है, उसके ऊपर फ्लाई व्हील होता है, बच्चे उसे लेके दौड़ते हैं तो वो रोटेट करता है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सल पे होता है फ्लाई व्हील, है ना। ये फ्लाई व्हील है और यहां पर ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सल है, उसके ऊपर ये फ्लाई व्हील को माउंट किया है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। हमें इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। जैसे आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका व्हील वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे लट्टू पे रस्सी वाउंड करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या होता है, लट्टू रोटेट करता है, वहां पर टॉर्क जनरेट होता है, वैसे यहां पर है। तो इसमें क्या होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला है R F sin थीटा, और टॉर्क का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज I into alpha। दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ टॉर्क। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। टाउ इज इक्वल टू टाउ, I alpha इज इक्वल टू R F sin थीटा, और यहां पर R और F के बीच में थीटा है 90 डिग्री। सो मैंने यहां पर लिख दिया 90 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 90 तो 1 होता है, अब हमें अल्फा फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा R F / I। अल्फा इज इक्वल टू R F, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फ्लाई व्हील का, MR² / 2। ये R से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। नाउ अल्फा इज इक्वल टू F / MR, और ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू 2 और फोर्स आपकी 25 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द मास, मास इज योर 20 किलोग्राम, एंड व्हाट इज R, R इज 20 × 10^-2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 10 हो गया। नाउ अल्फा इज इक्वल टू 25 × 10^-2 है, न्यूमरेटर में जाएगी तो 10^+2 मतलब 100, इसको हम 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 × 20, 0 से 0 कैंसिल। अब ये देखिए 25 upon 2 कितना हो जाएगा, 12.5। सो अल्फा की वैल्यू हमारी आई 12.5, और यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। अल्फा की जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली, जिसकी वैल्यू है 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। सो इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज फाइंड द वर्क डन बाय द पुल When 2 meter of the cord is unwound, इसमें आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है जब आप इस कोड को 2 meter अनवाउंड करेंगे, मतलब लेंथ कितनी रखेंगे कोड की, 2 meter। जैसे ही आप 2 meter इसको अनवाउंड करेंगे तो उसके लिए आपने कितना वर्क किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा। यहां पर जो S है ये है डिस्प्लेसमेंट, F है आपकी फोर्स अप्लाइड, और थीटा यहां पर एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। जब आप इसे अनवाउंड करेंगे तो
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, जिसकी वजह से यहां पर थीटा कितना होगा, 0 degree. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू एफ, दैट इज 25 newton. डिस्प्लेसमेंट आपकी 2 meter बताई उन्होंने, और कॉस 0 होता है 1. सो वर्क डन इज इक्वल टू 50 joule. 25 × 50, सो वर्क डन इन अनवाउंडिंग द 2 meter कोर्ड फ्रॉम द फ्लाईव्हील इज 50 joule. ये हमने दो पार्ट सॉल्व किए, अब करेंगे पार्ट नंबर 3. नाउ पार्ट नंबर 3 इज फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट. एज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आपने ये मानना है कि व्हील जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और अगर इनिशियली व्हील रेस्ट पर है, इसका मतलब उसकी जो एंगुलर स्पीड है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, वो 0 radian per second है. ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² / 2, लेकिन हमें फाइनल एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी होगी. लेकिन फाइनल एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की. अब थीटा क्या होता है, देखिए थीटा का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द कोड डिवाइडेड बाय रेडियस. ये आपने पढ़ा होगा ना, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. सो लेंथ कितनी दी है, 2 meter हम राउंड कर रहे हैं. रेडियस कितना है, 20 × 10^-2. सो आपका जो थीटा यहां पर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 से कर दीजिए 10. अब यहां पर 10 × 10^-2, इसका मतलब हो गया 10^-1. जब वो न्यूमरेटर में मूव करेगा तो 10^+1 रेडियन. ये तो आ गया थीटा. ओके, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज ω² - ω₀² इक्वल टू 2 α θ. सो इट मींस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिली वो आई 2 × α. अल्फा हमने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 12.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा. थीटा इज योर 10. सो ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया 12.5 × 225, सो इट इज 250. अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ व्हाट इज आई, कितना है, आई का फॉर्मूला है mr² / 2, और ओमेगा स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया 250. चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 और 2, ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय मास. मास कितना है, 20 kg. आर कितना है, 20 × 10^-2, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 10^-2 का स्क्वायर हो जाएगा 10^-4, मल्टीप्लाई बाय 250. ओके, 2 × 2 = 4 हो गया, मास हमने 20 kg पुट किया, आपका रेडियस जो है वो 20 × 10^-2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 400 × 10^-4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 250. अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 से करिए तो ये 100 आ गया. अब यहां पर देखिए कितनी जीरो है, 10, 20, 30, 40, ये चारों जीरो इससे कैंसिल होगी. अब कितना है आपका, 25 × 2, दैट इज 50. सो काइनेटिक एनर्जी इज 50 joule. ये है हमारा पार्ट नंबर सी. सो सी पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, और सेकंड पार्ट में हमने वर्क डन फाइंड किया था, और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ फोर्थ पार्ट, कंपेयर द आंसर्स टू पार्ट बी एंड पार्ट सी. इसका मतलब यह है कि हमें बी पार्ट के आंसर और सी पार्ट के आंसर को कंपेयर करना है. तो हम दोनों पार्ट में देखते हैं, ये देखिए डी, वर्क डन इन बी पार्ट एंड वर्क डन इन सी पार्ट, दोनों ही इक्वल है, क्योंकि ये भी 50 जूल आया था और ये भी हमारा 50 जूल आया है. इसका मतलब यह हुआ, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. जितना भी आपने वर्क किया वो कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #physics. और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.